यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूरा पश्चिम की शुरुआत करते हैं। किसानों के भारत बंद के दौरान आज प्रदेश भर में खूब सियासी हंगामे हुए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर दर शहर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की कई जगहों पर झड़प हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखें किस तरीके से बरेली में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। फिरोजाबाद में भी पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। वहीं अलीगढ़ में रोड जाम कर दिया गया। शाहजहांपुर में भी किसानों ने उतरकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और बागपत में भी किसान सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाने की कोशिश की। तो कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा तो कुछ जगहों पर जमकर बवाल हुए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किस तरह से भारत बंद को विफल किया, साथ ही किस तरह से पुलिस ने एक्शन लेते हुए सपा नेताओं को नजरबंद किया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर बस्ती की है, दूसरी इटावा की है। इटावा में जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही थी, इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं बस्ती में भी सपा कार्यकर्ता उपद्रव कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बड़ी मुश्किल के बाद सपा कार्यकर्ताओं को काबू में लाया गया। तो पुलिस ने बंद का असर कम करने और बंद के बहाने बवाल करने वाले कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। आपको 4 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जहां कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल रोक दी। वहीं दूसरी तस्वीर बस्ती की है जहां पर जमकर हंगामा हुआ, पुलिस से सपा कार्यकर्ता भिड़ गए। प्रयागराज की बात करें तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था और वहीं बस्ती में जो हंगामा हुआ पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस हंगामे को काबू में किया। तो किसानों के भारत बंद के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को भी रोका। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और श्रावस्ती की तस्वीर देखिए, यहाँ पर हंगामा हो रहा है। पूर्व सपा एमएलए को नजरबंद किया गया, वहीं 2 पूर्व एमएलए नजरबंद किए गए हैं। और प्रयागराज की बात करें तो प्रमोद तिवारी को नजरबंद किया गया। बागपत में 2 पूर्व एमएलए को नजरबंद किया गया। तो जगह जगह जिन लोगों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी उनको हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद किया गया। और 3 तस्वीरें आपके सामने और 4 तस्वीरें और आपके सामने हैं। देखिए मुरादाबाद में किस तरीके से हंगामा देखने को मिला। वहां पर जो सपा के एमएलए हैं वो मोर्चा खोलकर बैठे थे, उनको हिरासत में लिया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता को आगरा में हिरासत में लिया गया। अलीगढ़ में और बस्ती में भी इस तरह की कार्रवाई हुई। बस्ती में तो हालांकि काफी हंगामा हो गया, वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए पूर्व सांसद को हिरासत में लिया गया। किसानों के भारत बंद के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें भी रोक दी। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ में ट्रेन रोकी गई जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने मल्हौर स्टेशन पर मालगाड़ी को रोक दिया, जबकि प्रयागराज स्टेशन के आउटर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को सपा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। सपा कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। तो पहली तस्वीर देखिए लखनऊ की, जहां पर एक मालगाड़ी को रोक दिया गया, जबकि प्रयागराज में सवारी गाड़ी को रोका गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जा रही थी उसको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, इंजन पर चढ़ गए और काफी देर तक ये ट्रेन यहीं पर खड़ी रही। और आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हंगामा हुआ किसानों के भारत बंद में, हर तरफ हंगामा और झड़प ही देखने को मिली, लेकिन मुरादाबाद से एक अलग तस्वीर सामने आई। यहां पर सपा नेता पुलिस और अधिकारियों की एक साथ नाश्ता करने की तस्वीरें सामने आई। यहां पर सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी के ऑफिस में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नाश्ता करते हुए दिखाई दी। तो कहीं पर हंगामा हुआ, कहीं पर सौहार्द के साथ बैठक हुई। मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, सपा विधायक जो हाजी इकराम है उनके दफ्तर में पुलिसकर्मी और सपाई साथ में नाश्ता करते हुए नजर आए।